तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपनी फोटो को कुछ स्टेप से विजय महाराज जी के जैसे एडिट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को भी अपनी फोटो कुछ ऐसे एडिट करना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझाऊंगा मैं। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ और प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को विजय महाराज जी के जैसे पोज में फोटो क्लिक करवाना है या फिर आप लोग ऐसी फोटो क्लिक करा सकते हैं जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसे आप लोग अपनी फोटो क्लिक करो लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग को इस बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से कर लेना है अपने बैकग्राउंड को शेयर अपने पिक्सआर्ट ऐप में। पिक्सआर्ट ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में और अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फुल कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इरेजर में जाके हार्डनेस बढ़ा के साइज बढ़ा के और यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं बैकग्राउंड को अपने। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं मतलब यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आप लोग को समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इरेज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ सिंपली डन। और डन करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपने मॉडल को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ स्टेप से। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है हमारा मॉडल। उसके बाद आप लोग को क्या करना है आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे जो हमारी शर्ट है वो व्हाइट कलर की है जैसे कि विजय महाराज की रेड कलर की है, तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने PNG में क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं अपने इफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट में चले आता हूँ मैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग का FX में होगा तो आप लोग यहाँ पे कलर्स में चले आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स में चले आना है। उसके बाद आप लोग को कलर्स सेलेक्ट करना है कुछ स्टेप से, आप लोग बताता हूँ। यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इरेजर में जाते हैं और क्लियर ऑल करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइज हार्डनेस बढ़ा के और साइज अपने अकॉर्डिंग करके यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं अपने कलर को। तो यहाँ पे जल्दी से मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर लिए और उसके बाद में यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और डन करने के बाद में यहाँ पे इसे आप लोग मल्टीप्लाई और यहाँ पे कलर बर्न भी कर सकते हो जैसा आप लोग करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कलर बर्न कर लिया हूँ मैंने और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सिंपली आप डन कर लेता हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ना कि मतलब ब्लैक कलर की यहाँ पे लाइन आ जाती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने मॉडल में। तो क्या है ना कि इसे इरेज कर लेते हैं, आप लोग भी इरेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं अपने इरेजर में और हार्डनेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करके यहाँ साइज करके और इसके बाद में यहाँ पे रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रेस कर लिया और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और उसके बाद यहाँ पे भी सिंपली मैं डन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में और ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को एक PNG मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जोकर की मतलब ये वाली PNG है, तो इसे आप लोग को ऐड कर लेना है और आप लोग को और PNG मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही टाइप की, तो आप लोग कोई सी भी PNG ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप से आप लोग को अपने हाथों में यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद में आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में आइएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट में जाना है और एडजस्ट में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेना है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को हाइलाइट्स को क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शैडोज को थोड़ा सा आप लोगों को कम कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है डन। और डन करने के बाद में आप लोग कुछ इस टाइप से मतलब ऐड कर लेना, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग को देखना चाहिए मतलब अपनी PNG में। और ये हो चुका है हमारा काम और उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे फिर से अपने ऐड फोटो में जाइएगा और एक PNG और मिल जाएगी आप लोग को, उसे भी यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपने ऐड फोटो में और उसके बाद यहाँ पे इस PNG को आप लोग को ऐड कर लेना है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इस पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, आप लोग को कुछ स्टेप से मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे इसके स्क्रीन करके यहाँ पे आप लोग को ऊपर के साइड में यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, कुछ स्टेप से आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, और इसे कुछ स्टेप से आप लोग को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे सिंपली आप लोग को कर लेना है डन। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो मतलब बिल्कुल भी विजय महाराजी जैसा लुक नहीं आ रहा है यहाँ पे फोटो में। तो आप लोग को कैसे एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो अपनी फोटो को मतलब ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को मतलब विजय महाराजी जैसे लुक लाना है अपनी फोटो में, तो वैसा आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव इमेज, और यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी लाइट रूम ऐप में ले आते हैं। लाइट रूम ऐप का बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, उसमें आप लोग को मतलब सही तरीका बताऊंगा कि ऐसे आप लोग को विजय महाराजी जैसे फोटो एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपनी लाइट रूम ऐप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी लाइट रूम ऐप में, और यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी फोटो आ रही है, एक मिनट रुकिए, ये आ चुकी है, इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी फोटो को ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फोटो आ रही है, ये रही, हमें इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट सबसे पहले तो आप लोग करना है। यहाँ पे जाता हूँ इस आइकॉन में, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स को बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे शैडोज को भी बढ़ा लूँगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वाइट्स को मैं कम करूँगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग ब्लैक्स को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ इस आइकॉन में, यहाँ पे मिक्स में क्लिक करता हूँ, रेड का यहाँ पे मैं कम करूंगा। ओके, और यहाँ पे ल्यूमिनस को भी कम कर लेता हूँ कुछ इतना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ इस आइकॉन में, और यहाँ पे हम लोग ऑरेंज का सैचुरेशन कम कर लेते हैं, यहाँ पे ल्यूमिनस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जो कुछ इस टाइप से आप लोग करना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप लोग कर लेना है। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे येलो का सैचुरेशन कम करके यहाँ पे आप लोग को ग्रीन का भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डन कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और देख लीजिएगा आप लोग अपनी फोटो के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जाना है इस आइकॉन में, और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे विनेट इफेक्ट थोड़ा सा मतलब अप्लाई करना है यहाँ पे, और आप लोग डेंस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, या आप लोग कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइकन में जाना है, यहाँ पे शार्पनेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लेना है आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है आइकॉन में, यहाँ पे सिलेक्टिव टूल में, और उसके बाद आप लोग को एक टूल को यूज़ करना है यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, ये है। ठीक है, तो ये लाइनिंग वाला है। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब इफेक्ट को जरूर यूज़ कीजिएगा आप लोग यहाँ पे नीचे के साइड में कुछ इस टाइप से, आप लोग बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग इसे एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लीजिएगा इसका। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है आप लोग। और बार मतलब यहाँ साइड में कर लिए, यहाँ पे साइड कर लिए, साइड में भी लगा लिए, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप लोग दे सकते हैं, मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा नीचे के साइड में मतलब बिगनेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही है, और आप लोग एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत बढ़िया लग रही है। तो कुछ इस टाइप से थी हमारी यहाँ पे पिक्सआर्ट में, और हम लोगों ने यहाँ पे लाइट रूम ऐप में कुछ ऐसा कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस टाइप के एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग शेयर में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव टू डिवाइस, और यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।